अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज सुमेरा, यू आर वॉचिंग कुकनोलॉजी। मैं आज आपके लिए लाई हूँ मकई के आटे की रोटी बनाने की न्यू रेसिपी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस आटे में लचक कम होती है, इसलिए इसकी रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। रोटी टूट जाने का खतरा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग मोटी मोटी रोटियाँ बनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मकई के आटे की आप पतली रोटियां कैसे बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लें। जी, मैंने एक बाउल में मकई का आटा निकाल लिया है। अब मैंने हल्का नीम गर्म पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं अच्छे तरीके से डो बना लूँगी। इस आटे में जैसे कि लचक नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना कर दें, वरना बिल्कुल ही संभालना मुश्किल हो जाएगा। बस इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छी सी एक सख्त सी डो बनानी है। जब तक मैं आटा गूंथ रही हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। जी, बहुत अच्छे तरीके से आटा गूंथना है और इसके बाद कवर करके 30 मिनट के लिए मैंने तकरीबन रख दिया है सेट होने के लिए। अच्छा जी, शॉपिंग बैग को इस तरीके से आपने दो सर्कल पीसेस में काट लेना है और इस तरीके से एक नीचे रख के और आटे का पेड़ा बना के आपने इस तरीके से बीच में रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और दूसरा जो पीस है शॉपिंग बैग का वो इसके ऊपर आपने रख के इस तरीके से इसको घुमाते जाना है। नीचे शीट की वजह से अच्छे तरीके से नहीं घूम रहा, अभी मैंने शीट निकाल दी, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही है रोटी। इस तरीके से जितनी आप पतली रोटी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। देखें, ये एक पतली सी रोटी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसको अब आपने अपने हाथ पे उल्टा कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली शीट उतारनी है और इस तरीके से आपने रोटी तवे पे डाल देनी है। रोटी ये फूलेगी तो नहीं, इसलिए आपको घी या ऑयल लगाना पड़ेगा, आप जो भी पसंद करते हैं इस पर लगाएँ और अच्छे तरीके से सेक सेक के पका लें। जी, ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगाया और इसको फ्लिप कर दिया। मेरे थोड़े नन्हे मुन्ने छोटे छोटे हाथ हैं, इसलिए रोटी छोटी बनी है, क्योंकि हाथ से बड़ी होगी तो वो टूट जाएगी। आप अपने हिसाब से रोटी का साइज़ बना सकते हैं। देखें जी, परफेक्ट मकई की रोटी रेडी है। अभी आप इसे साग के साथ इंजॉय कर सकते हैं। साग की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।